गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हम क्लास सिक्स का चैप्टर वन के मार्ग में जिसके कवि हैं तुलसीदास, उसके हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नगर से बाहर निकलकर दो पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई। दो कदम चलने के बाद सीता की क्या हालत हुई, ये इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। नगर से बाहर निकलकर दो पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीनों की बूंदे छलकने लगी, उनके कोमल होंठ सूख गए, वे शीघ्र ही थक गए। क्या हुआ, नगर से दो कदम चलने थोड़ी दूर चलने के बाद ही सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदे आ गई और उनके जो कोमल होंठ थे वो भी सूख गए, वो बहुत जल्दी थक गई। अब और कितनी दूर चलना है, पन कुटी कहाँ बनेगा, किसने किससे पूछा और क्यों। अब और कितनी दूर चलना है, पनकुटी कहाँ बनाइएगा, ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे क्योंकि वे बहुत अधिक थक गई थी। किसने पूछा, सीता जी ने। किससे पूछा, श्री राम जी से। क्यों पूछा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की। राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। क्या किया राम जी ने, राम जी ने जब देखा कि सीता थक गई है तो वो क्या करने लगे, अपने पैरों से कांटे निकालने का झूठा नाटक करने लगे जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान भी कम हो जाए। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। हमने इसमें दो सवैये पढ़े, उनमें से डिफरेंस बताना है। पहले सवैये में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता और थकान का वर्णन है। वे अपने पहुंचने के स्थान के बारे में जानना चाहती हैं। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ दूर जाने के बाद काफ़ी थक जाती है, उन्हें पसीना आने लगता है और होंठ सूखने लगते हैं। वे व्याकुलता से श्री राम से पूछते हैं कि अभी और कितना चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनानी है। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो हो गया पहले सवैये में। पहले सवैये में हमने क्या पढ़ा था कि जब सीता वन जा रहे थे राम सीता जी, तो सीता व्याकुल और थकान में वर्णन करते हैं। वे अपने पहुंचने जहाँ उन्हें जाना है उसके बारे में जानना चाहती हैं। और जब राम जी अपनी पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखते हैं तो वो भी दुखी हो जाते हैं। और जब वो सीता जी थोड़ी दूर चलती हैं तो उन्हें काफ़ी थकान होती है, उन्हें पसीना आने लगता है, होंठ सूख जाते हैं और वो राम जी से पूछते हैं कितनी दूर और चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनानी है। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे सवैये में क्या है, श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इसमें क्या है, श्री राम और सीता जी के प्रेम को दर्शाया गया है। कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों से कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती हैं। मतलब जब सीता थक जाती है तो राम जी अपने पैरों से कांटे निकालने का नाटक करने लगते हैं और सीता जी श्री राम को ऐसा देखकर उसके प्यार में पुलकित हो जाती हैं। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। वन का मार्ग यानी रास्ता जो है अत्यंत कठिन था, बहुत मुश्किल था। यह मार्ग कांटों से भरा था, यह रास्ता कांटों से भरा हुआ था, उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था, रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं थी, पानी मिलना भी कठिन था, चारों तरफ सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण था। रास्ते में क्या हो रहा था, वो सारा रास्ता कांटों से भरा था, उस पर बड़ी मुश्किल से चला जा रहा था, कोई सुरक्षित जगह भी नहीं थी और रास्ते में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पानी भी मिलना बहुत मुश्किल था, चारों तरफ सुनसान जंगल था और असुरक्षा का वातावरण